नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको तत्काल पासपोर्ट आवेदन से संबंधित जानकारी देने वाले हैं और साथ ही तत्काल पासपोर्ट से जुड़े हुए सभी प्रश्नों पर भी विस्तार में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक अपडेट देना चाहते हैं जिसके बारे में शायद कई लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, कुछ समय पहले तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए गेजेटेड ऑफिसर से वेरिफिकेशन लेटर लेना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, वैसे तो तत्काल पासपोर्ट और नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट को अप्लाई करने का प्रोसीजर लगभग सेम है, लेकिन फिर भी तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में जानकारी होने पर ही तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट को अप्लाई करना चाहिए। तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, इसकी फीस कितनी है, पासपोर्ट को अप्लाई करने से लेकर पासपोर्ट के मिलने तक का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, कौन कौन से व्यक्ति तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और किन किन ऑफिस में तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट को अप्लाई किया जा सकता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस न हो जाए, इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट में अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। दोस्तों, आमतौर पर हमें नॉर्मल पासपोर्ट बनवाने के लिए तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। और आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका प्रयोग हम इन तीनों प्रूफ्स के तौर पर कर सकते हैं, और वैसे भी आधार कार्ड को अब मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना आधार कार्ड के तो पासपोर्ट अप्लाई किया ही नहीं जा सकता। यदि आपके आधार कार्ड में ये सभी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट हैं तो आपको नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट को बनवाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने मैट्रिक सर्टिफिकेट के बारे में कोई बात ही नहीं की है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पासपोर्ट में ECR और नॉन ECR दो प्रकार की कैटेगरी होती है। यदि आप ECR कैटेगरी का पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और यदि आप ECNR या नॉन ECR कैटेगरी का पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको मिनिमम मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाना होगा, या आप इस लिस्ट में दिए गए किसी भी एक डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। ECR और नॉन ECR कैटेगरी में क्या अंतर है, इसके लिए आप आई बटन में दी गई वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुई नॉर्मल पासपोर्ट की बात। यदि आप तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको नॉर्मल पासपोर्ट में लगाए जा रहे डॉक्यूमेंट के साथ साथ दो और अन्य ID प्रूफ लगाने होंगे, जैसे कि वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि। और हाँ, ध्यान रखें, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपकी सभी डिटेल्स जैसे कि आपका नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ आपस में मैच करें। दोस्तों, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर आप जिन डॉक्यूमेंट्स को लगा सकते हैं उनकी पूरी लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि पासपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स को लेकर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर चले आएं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट एडवाइजर ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करें और अपने अकॉर्डिंग यदि आप फ्रेश पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, और यदि आप पासपोर्ट रीइश्यू करवाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन, टाइप ऑफ कैटेगरी, इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी आदि सभी ऑप्शन सेलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद अगले पेज पर यदि इनमें से कोई भी पॉइंट आप पर लागू नहीं होता है तो नन ऑफ अबव के सामने बने बॉक्स पर टिक करके व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। हमारी सिलेक्शन के बेस पर यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ चुकी है। एड्रेस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं उनकी लिस्ट देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, और इसी प्रकार डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए यहाँ पर, एडिशनल ID प्रूफ के लिए यहाँ पर, और ECR नॉन ECR कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। इस प्रकार नॉर्मल और तत्काल पासपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स को लेकर अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं तत्काल पासपोर्ट में आवेदन करने की फीस क्या होगी। दोस्तों, यदि आप तत्काल कैटेगरी में रीइश्यू या फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ₹2000 की अतिरिक्त फीस पे करनी होगी, और यह फीस आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन पासपोर्ट ऑफिस में जमा करानी होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यदि आप अपना पासपोर्ट डैमेज हो जाने या खो जाने के कारण रीइश्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं
और अभी आपके पिछले पासपोर्ट की वैलिडिटी बकाया है तो इस केस में आपको 1500 रुपये पेनल्टी के रूप में अलग से पे करने होंगे। दोस्तों, पासपोर्ट की फीस को लेकर आपका कोई भी कन्फ्यूजन न रहे, इसके लिए हम आपको एक सरल सा तरीका बता देते हैं जिसके बाद पासपोर्ट की फीस को लेकर आपके सभी डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद फिर से अपने कंप्यूटर या मोबाइल के किसी भी वेब ब्राउजर में पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर चले आएं। इस साइट के होम पेज पर आकर नीचे की ओर स्क्रॉल करें, यहाँ पर फीस कैलकुलेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आप किसी भी कैटेगरी के पासपोर्ट की फीस पता लगाने के लिए सभी कॉलम्स को फिल करके कैलकुलेट फीस पर क्लिक करें। चलिए हम जल्दी से आपको फीस कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप में पासपोर्ट सेलेक्ट कर लें। टाइप ऑफ सर्विस में फ्रेश या रीइश्यू सेलेक्ट करें। एप्लीकेंट की एज सेलेक्ट करें। नंबर ऑफ पेज इन बुकलेट सेलेक्ट करें। अगले ऑप्शन में तत्काल या नॉर्मल सेलेक्ट करें और कैलकुलेट फीस पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं सेलेक्ट किए गए ऑप्शंस के बेस पर पासपोर्ट की फीस यहां पर शो हो गई है। यदि आप तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 2000 रुपये की फीस अपॉइंटमेंट के दिन पासपोर्ट ऑफिस में पे करनी होगी और बकाया अमाउंट ऑनलाइन या बैंक चलान के माध्यम से पे करना होगा। उम्मीद है पासपोर्ट की फीस को लेकर भी अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अब जान लेते हैं तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करना है। तत्काल पासपोर्ट और नॉर्मल पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताने से वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए हम आपको मेन पॉइंट बता देते हैं। तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करने के दौरान पासपोर्ट साइट पर इस पेज पर यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में तत्काल सेलेक्ट करना है, बाकी पूरा प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप आई बटन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कौन कौन से व्यक्ति पासपोर्ट के लिए तत्काल कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। नागालैंड, जम्मू और कश्मीर के निवासी तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे जिन्हें विदेशी माता पिता ने गोद लिया है या ऐसे विदेशी बच्चे जिन्हें भारतीय माता पिता ने गोद लिया है, वे भी तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का डाइवोर्स हो चुका है या ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का डाइवोर्स नहीं हुआ है परंतु वे सेपरेटेड हैं, ऐसे बच्चे भी तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसे बच्चे जिनका पहले माइनर स्टेटस था, अब 18 साल की एज होने पर अडल्ट में पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वह भी तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप पासपोर्ट रीइश्यू के लिए आवेदन कर रहे हैं और साथ ही उसमें कोई भी चेंजेस जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस इत्यादि करवाना चाहते हैं, तब भी आप तत्काल कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। पासपोर्ट के लॉस्ट या डैमेज होने के केस में रीइश्यू के लिए भी तत्काल कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। पासपोर्ट रीइश्यू के लिए आवेदन करते समय पिछले पासपोर्ट की वैलिडिटी समाप्त हुए यदि 3 साल से अधिक समय हो गया हो, तब भी आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे तो नॉर्मल पासपोर्ट के लिए आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं, परंतु तत्काल पासपोर्ट के केस में आप अपने प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग संबंधित पासपोर्ट ऑफिस में ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं तत्काल पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहता है और पासपोर्ट कितने दिनों में बनकर आता है। पासपोर्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा होने के बाद जैसे ही पासपोर्ट ट्रैकिंग स्टेटस में गारंटीड शो हो जाएगा, उसके 3 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट आपके पते पर डिस्पैच कर दिया जाएगा। और तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट में आपको पासपोर्ट पहले ही मिल जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन का कार्य इसके बाद होगा, यानी कि तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट में पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, जबकि नॉर्मल पासपोर्ट में पहले पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद ही पासपोर्ट जारी किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको नॉर्मल और तत्काल पासपोर्ट से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानकारी दे दी है। यदि फिर भी आपको कोई प्रश्न या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके प्रश्नों का बेस्ट आंसर दे सकें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अपने चैनल पर अक्सर इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।